अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके कोर्स का। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के। इस यूनिट के बाकी एमसीक्यूज भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो वहीं से जाके आप इसके बाकी एमसीक्यूज जो है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ 11 बॉडी सिस्टम विद अ मास ऑफ, कि हमारे बॉडी में 11 सिस्टम काम कर रहे हैं, तो उसमें नर्वस सिस्टम जो है वो इंतहाई मास में सबसे छोटा और इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसका मास कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, 2 kg मास है हमारे पास किसका? नर्वस सिस्टम का। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि द ह्यूमन ब्रेन कंटेन अबाउट न्यूरॉन्स, कि हमारे पास ब्रेन जो कि नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, तो उसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 100 billion, कि हमारे ब्रेन में 100 billion जो है वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स काम करते हैं। न्यूरॉन्स का आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। थर्ड एमसीक्यूज है कि द स्पाइनल कार्ड दैट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कनेक्ट टू द ब्रेन थ्रू स्कल, कि हमारे पास स्पाइनल कार्ड जो कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, तो स्पाइनल कार्ड ब्रेन के साथ किस तरह अटैच होता है? फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम एक होल होता है स्कल में, जिसके थ्रू स्पाइनल कार्ड जो है वो कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द स्पाइनल कार्ड दैट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंटेन अबाउट, देखो ब्रेन में हमारे पास 100 billion न्यूरॉन्स थे, स्पाइनल कार्ड में कितने न्यूरॉन होते हैं? स्पाइनल कार्ड में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, 100 million न्यूरॉन्स, कि स्पाइनल कार्ड में हमारे पास 100 million न्यूरॉन्स होते हैं, करेक्ट ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है कि अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ऑर्गन ऑफ GIT ट्रैक इन अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन दैट हेल्प रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल्स पे जो एक न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन है, एक नेटवर्क है, जो क्या करता है? जो GIT ट्रैक के जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, तो उस नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एंटेरिक प्लेक्सस, जो कि करेक्ट है। सिक्स नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई सच एज एन इंक्रीज इन ब्लड एसिडिटी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन योर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, कि आपके नर्वस सिस्टम का वो कौन सा पार्ट जो क्या करते हैं? जो इंटरनल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, जिस तरह ब्लड एसिडिटी हो गई, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गए, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कि कोई भी चीज़ आपके जिस्म पे बैठती है तो आपको पता चल जाता है, आपको फील होता है, तो ये कौन सा फंक्शन है नर्वस सिस्टम का? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, सेंसरी फंक्शन। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि एन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, तो अब परसेप्शन क्या है? द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई दैट अकर इन द ब्रेन इज द फंक्शन ऑफ, कि देखो हमारे पास 3 types ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटीग्रेटिव न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, सही है, जो कि ऑलरेडी मैं अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और वही वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप नर्वस सिस्टम का वीडियोज लेक्चर है वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आपके ब्रेन में जो सेंसरी स्टिमुलाई होती है उसकी अवेयरनेस, तो वो कौन सा फंक्शन है आपके नर्वस सिस्टम का? इंटीग्रेटिव फंक्शन, और इंटीग्रेटिव न्यूरॉन आपके ब्रेन में होते हैं, लिहाजा वो आपके पास ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो परसेप्शन क्या है कि अवेयर, आप अवेयर हो जाते हैं अपने सेंसरी स्टिमुलाई से, और ये फंक्शन नर्वस सिस्टम का इंटीग्रेटिव फंक्शन कहलाता है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एट नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, इन नर्वस सिस्टम द स्टिमुलेशन ऑफ इफेक्टर बाय मोटर न्यूरॉन्स काजिस, कि जब आपके पास मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं इफेक्टर को, तो फिर आपके पास कौन से 2 functions होते हैं? मसल्स टू कंट्रैक्ट, ग्लैंड्स टू सेक्रेट, सी ऑप्शन बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ। क्यों? कि जब आपके पास कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, ब्रेन उस पर सोचता है, उसको जो है इंटीग्रेट करता है, और फिर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जब आपके पास स्टिमुलस जाता है, तो क्या होता है? जो आपके पास
मैसेज जाते हैं मोटर न्यूरॉन, तो वो दो काम करते हैं। अगर मसल्स की तरफ जाते हैं तो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर ग्लैंड्स की तरफ जाते हैं तो ग्लैंड्स हमारे पास सेक्रेशन कास कर लेते हैं। लिहाजा सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 9th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम न्यूराग्लिया ऑफ नर्वस सिस्टम, इसका देखो न्यूराग्लिया क्या है। न्यूराग्लिया हमारे पास नर्वस सिस्टम के वो सेल्स जो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन की हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को। तो जब आपके पास न्यूराग्लियल सेल की कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ग्लाइयोमा। 10th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द फोर टाइप ऑफ न्यूराग्लिया दैट फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो हमारे पास न्यूराग्लिया के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ न्यूराग्लिया है, तो वो कौन कौन से हैं, ए ऑप्शन एस्ट्रोसाइट्स, बी ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव। देखो इस तक इसका आपके पास डिफरेंट टाइप एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको सिर्फ एक भी दिया जा सकते हैं कि हमारे पास विच वन इज अ पार्ट ऑफ न्यूराग्लिया, विच वन इज न्यूराग्लियल सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एस्ट्रोसाइट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दो हो सकते हैं, इसमें तीन, चारों के चार भी आपके पास आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूराग्लियल सेल हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूराग्लियल सेल हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ए ऑप्शन से श्वान सेल, बी ऑप्शन सेटेलाइट सेल, सी ऑप्शन बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ, कि ये दो जो हमारे पास न्यूराग्लियल सेल हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। 12th नंबर एमसीक्यूज, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ न्यूराग्लियल सेल दैट आर स्टार शेप्ड आर कॉल्ड, कि आपके पास न्यूराग्लियल सेल में वो कौन सा सेल जो साइज में भी लार्ज हो और कहें कि उसमें हमारे पास स्टार शेप भी हो, तो वो कहें वो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट, एस्ट्रोसाइट्स, कि आपकी न्यूराग्लियल सेल में जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो लार्जेस्ट भी हैं और तादाद में भी ज़्यादा हैं, स्टार शेप होते हैं, वो हमारे पास एस्ट्रोसाइट, ए ऑप्शन करेक्ट। 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द न्यूराग्लियल सेल दैट रिसेंबल एस्ट्रोसाइट बट हैव फ्यूअर प्रोसेसेस दैट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि आपके पास वो न्यूराग्लियल सेल जो एस्ट्रोसाइट की तरह तो होते हैं लेकिन तादाद में कम होते हैं, उनके प्रोसेसेस कम होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपके पास माइलिन शीट बनाते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो एग्जान है, न्यूरॉन के एग्जान, उसका माइलिन शीट बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि वो कौन सा सेल है जो क्या करता है, जो माइलिन शीट बनाता है, तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट है। लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि ये अक्सर पेपर में जो है वो रिपीट होता है। 14 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि दि स्मॉल न्यूराग्लियल सेल विद अ थिनर प्रोसेस दैट फंक्शन एज अ फेगोसाइट्स, कि आपके पास न्यूराग्लिया का वो सेल जो क्या है, जो हमारे पास उसके प्रोसेसेस भी कम होते हैं और वो एज अ फेगोसाइट काम करता है, तो वो हमारे पास कौन सा सेल है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया हमारे पास वो न्यूराग्लियल सेल है जो एज अ फेगोसाइट या एज अ मैक्रोफेज काम करता है। 15 नंबर एमसीक्यू, द एपेंडाइमल सेल आर क्यूबॉइडल टू कोलमनार सेल लाइंस कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेक्रेट एंड सर्कुलेट, कि आपके पास एपेंडाइमल सेल जो कि क्या न्यूराग्लियल सेल है, वो क्यों से वो हमारे पास क्यूबॉइडल टू कोलमनार होते हैं और वो इंटरनल कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स को क्या करते हैं, सर्कुलेट किए हुए होते हैं। तो ये हमारे पास क्या सेक्रेट करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एपेंडाइमल सेल सेक्रेट और सर्कुलेट करता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इससे आपके पास किसी भी टाइप का एमसीक्यूज आ सकते हैं, या उन्होंने कहा होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन से सेल सेक्रेट करते हैं, तो आपने फिर एपेंडाइमल सेल को सिलेक्ट करना है। 16 नंबर एमसीक्यूज, विच इज ट्रू अबाउट श्वान सेल, कि श्वान सेल हमारे पास क्या है, कि एग्जाम में हमारे पास श्वान सेल होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर होते हैं, ये तमाम बातें ऑलरेडी मैं अपने चैनल में एक वीडियो लेक्चर के फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वहीं से आप इसके एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पे एमसीक्यूज कहते हैं कि आपके पास श्वान सेल, उसके बारे में कौन सा जो है हमारे पास सेंटेंस ट्रू है, दे सराउंड एग्जाम इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे माइलिनेट ओनली वन एग्जाम,
दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एग्जान, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑल ऑफ द एबव, कि ये क्या करता है, ये एग्जान को सराउंड भी किया हुआ है, एग्जान को माइलिनेट भी करता है और माइलिन शीट भी एग्जान के बाहर जो है वो बनाता है, लिहाजा ये तमाम श्वान सेल के क्या है, फंक्शन है। डी ऑप्शन करेक्ट। 17 नंबर एमसीक्यू, द फ्लेट सेल दैट सराउंड द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड फॉर्म गैंग्लिया एंड रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरॉनल सेल बॉडीज एंड इंटरस्टीशियल फ्लूइड, कि आपके पास वो फ्लेट सेल जो क्या करते हैं, जो सेल बॉडी को सराउंड भी करते हैं पेरिफेरल सिस्टम में और क्या करते हैं, वो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं न्यूरॉनल सेल बॉडीज और इंटरस्टीशियल फ्लूइड। इंटरस्टीशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो विद इन टू सेल्स हमारे पास पाए जाते हैं, तो वो कौन से सेल है, वो हमारे पास है सैटेलाइट सेल। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसको आप इस तरह याद करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो जिस तरह हमारे पास सैटेलाइट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, वही सैटेलाइट सेल आपके पास क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, किसमें, नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। 18 नंबर एमसीक्यूज है कि विच आर द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन्स, कि देखो हमारे पास न्यूरॉन्स जो नर्व सिस्टम का पार्ट है, तो वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स उनके हैं। ए ऑप्शन लॉन्गिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, हाई मेटाबॉलिक रेट। सी ऑप्शन सेक्रीशन एंड ए माइटोटिक, तो इसमें क्या है, एक माइटोटिक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो डी है, कि ये तमाम हमारे पास किस चीज के, न्यूरॉन्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। लिहाजा इस, अब ये एक एक करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, क्या है, ये हमारे चैनल के वीडियो फॉर्म में फिर आपको मिलेगा, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा टाइम जाया होगा। 19 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास है कि द रिसेप्टिव रीजन ऑफ न्यूरॉन दैट आर शॉर्ट ऑफन हाईली ब्रांच्ड, कि आपके देखो ये हमारे पास पिक्चर में न्यूरॉन दिया गया है, इसका कौन सा पार्ट, इसका वो पार्ट जिसमें हमारे पास हाईली ब्रांच होते हैं लेकिन वो ब्रांच शॉर्ट होते हैं, तो इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, इस ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, और ये क्या करते हैं, ये रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। 20 नंबर एमसीक्यूज है कि एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म हमारे पास एग्जान का साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ये अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज में आता है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जान है, इसको मैं ऊपर कर लूं, ये हमारे पास जो है एग्जान है जो, तो इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं इस एग्जान आपके साइटोप्लाज्म को। एक्सोलीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग्जान, एग्जान का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलीमा कहते हैं। तो इन दोनों में अक्सर एमसीक्यूज हमारे पास जो है एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। 22 एमसीक्यूज हमारे पास है कि एग्जान टर्मिनल आर टीलोडेंड्रिया, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एग्जान, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं टेलो डेंड्रिया, डेंड्रिया इसे कि ये ब्रांचेस हैं और टीलो टर्मिनल, जब भी टीलो का वर्ड आप यूज देखेंगे इसका मतलब होगा टर्मिनल, लिहाजा इसको एग्जान टर्मिनल को कहते हैं टीलो डेंड्रिया। देखो यहाँ पे टर्मिनल ऑफ एग्जान है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एग्जान, लेकिन यहाँ पे डेंड्रिया का वर्ड यूज हुआ है, लिहाजा आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 24 नंबर एमसीक्यूज है कि द न्यूरॉन दैट पोजेस मोर देन टू प्रोसेसेस विद अ न्यूमरस डेंड्राइट्स एंड वन एग्जान दैट प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑफ, कि हमारे पास वो न्यूरॉन जिसमें क्या है, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस हो, जिसमें डेंड्राइट्स न्यूमरस हो लेकिन एग्जान एक हो, तो वो न्यूरॉन हमारे पास कहां पे पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और उनको कहते हैं मल्टी पोलर। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद, इसमें आपके बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं, एक तो ये कि जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होंगे उसमें डेंड्राइट्स तो न्यूमरस होंगे लेकिन एग्जान एक होगा और ये ब्रेन में होंगे और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। और 25 लास्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो कौन से हैं कि द न्यूरॉन दैट पोजेस टू प्रोसेसेस वन मेन डेंड्राइट एंड वन एग्जान दैट रेयर न्यूरॉन एंड फाउंड इन स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, तो वो हमारे पास कौन है,
कौन से हैं? ए ऑप्शन बाइपोलर। बाइपोलर हमारे पास क्या है, इसमें देखो ये साइड डेंड्रॉन है इसका, ये साइड इसका एग्जॉन है, ये हमारे पास दो पोल होते हैं। तो आपके पास जो बाइपोलर है उसमें एग्जॉन एक होगा, जो मल्टीपोलर है उसमें भी एग्जॉन एक होगा, लेकिन मल्टीपोलर आपके पास मल्टीपल डेंड्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डेंड्राइट है। तो ये आपके पास नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज थे। नर्वस सिस्टम के बाकी एमसीक्यूज भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, और इस यूनिट का वीडियो लेक्चर वीडियोस फॉर्म में हमारे चैनल पे मौजूद है, वहीं से जाके आप इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।